डोनाल्ड को कौन नहीं जानता, उसके बर्गर की वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस है। इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड्स के हर विज्ञापन में आपको उसका फ्रेंच फ्राई भी जरूर दिखेगा, जो हर कॉम्बो मील का हिस्सा है। लेकिन इन दिनों जापान में मैकडोनल्ड्स ने फ्रेंच फ्राई बेचने बंद कर दिए हैं। दरअसल ऐसा करने के लिए मैकडोनल्ड्स मजबूर है, क्योंकि फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए उसके पास आलू ही नहीं है। कोरोना की वजह से और कनाडा में आई बाढ़ के चलते जापान में आलू का आयात बहुत ही कम हो गया है। इसकी वजह से जापान में आलू की इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है कि मैकडोनल्ड्स को आलू नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कंपनी ने फैसला किया है कि 24 से 30 दिसंबर तक वहां सिर्फ छोटे आकार के फ्रेंच फ्राई ही बेचे जाएंगे। ऐसा कंपनी ने इसलिए किया ताकि अभी भी ग्राहक फ्रेंच फ्राई ऑर्डर कर पाएं।